अस्सलाम वालेकुम जी। HTML का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आज पहला इसका लेक्चर है और इसमें हम HTML की डॉक्यूमेंट्स का सैंपल देखेंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी वर्किंग किस तरह होती है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो आए चलते हैं अपने कोड की तरफ और उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं HTML का कोड एंटर कर देता हूँ ताकि सबको नज़र आ रहा होगा। जी नज़र आ रहा है, ये बेसिक कोड है HTML का। इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये ऊपर ये टैग आ रहे हैं, इसको HTML टैग्स बोलते हैं। ठीक है, ये HTML है, हेड है, टाइटल है, ठीक है, बॉडी है। ये डिफरेंट इसके एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स जो हैं उसको हम टैग्स भी कह रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सैम्पल वेबसाइट बनाते हैं, HTML का पेज बनाते हैं और उसको लोड करते हैं साथ वाले ब्राउज़र में जो आपको अभी क्रोम में नज़र आ रहा है। इसमें अब हम टाइप करते हैं टाइटल, ठीक है, बॉडी के अंदर लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ, इसको सेव करेंगे। सेव आपने करना है डेस्कटॉप पे, कहीं भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए आपने इसको इंडेक्स डॉट HTML दे दिया फाइल का नाम और सेव कर दिया। ठीक है, अब ये डेस्कटॉप वाली फाइल है हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने क्रोम ब्राउज़र में लेकर आनी है। ये आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टाइटल हमारा ऊपर आ गया टैब में या मोस्टली में। ये हमारा टाइटल है और ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा है ये वो पैराग्राफ है। आइए इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है, शुरू कैसे होता है, ख़त्म किस तरह होता है। अच्छा जी, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। HTML बेसिकली किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बन सकता है, नोटपैड में बन सकता है, जिस तरह ये हम अभी नोटपैड में बना रहे हैं। नोटपैड में बनाने का थोड़ा नुकसान ये होता है कि बंदे को एरर्स नज़र नहीं आते। अगर HTML के IDEs प्रॉपर IDEs के साथ बनाया जाए तो वहाँ पे एरर्स शो हो जाते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे कि इनके कौन कौन से IDEs हैं और नोटपैड में अगर बनाना है तो इसके लिए कौन कौन सी एहतियात करनी ज़रूरी है। पहली एहतियात इसमें यह है कि जिस टैग को आपने ओपन करना है उसको आगे कहीं ना कहीं जाके क्लोज कर देना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर HTML को ओपन किया और यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिया। क्लोज किस तरह किया है कि ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, आए इसकी डिटेल में ज़रा और जाते हैं कि इसमें और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये पैराग्राफ है, पी मतलब पैराग्राफ का टैग है ये। इसके अलावा अगर बॉडी में हम कुछ ये लिखेंगे दिस इज़ बॉडी, सेव करेंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आगे चलते हैं और इसको देखते हैं मज़ीद के इसके पैराग्राफ में लिखने का और बॉडी में लिखने का हमें फ़ायदा और नुकसान क्या क्या है। पहले बॉडी के जो है इसको हम फिल कर लेते हैं किस तरीके से, दिस इज़ बॉडी एंड दिस इज़ सो ऑन। मैं यहाँ पे वही चेंज कर रहा हूँ, ये हमारी बॉडी लिखी जा रही है, 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 सेव। यहाँ पर हम लिफ्ट
रिफ्रेश करते हैं तो ये बॉडी हमारी जो है ये पूरे पेज पर फिट हो गई है। इवन कि हम यहाँ पर कहीं पर इसको एंटर प्रेस करते हैं, लाइन स्पेसिंग दे दी है, वो लाइन स्पेसिंग यहाँ पर शो नहीं होगी, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट बगैर किसी स्पेसिंग के शो होता जाएगा। अब देखते हैं जी, हम पैराग्राफ में अब कोई चीज़ लिखें तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करता है ब्राउज़र। पी को क्लोज जरूर करना है आपने, टाइपो एरर है। दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर मैं दो तीन कॉपीज बना लेता हूँ, ये बन गया और इसका दूसरा पैराग्राफ। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ। इसको मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो हर पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेसिंग है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये स्पेसिंग हम किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं, ये जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्पेसिंग है ये हम कम ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे, ये एक छोटी सी इंट्रो है, टाइटल के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो आपके जो ब्राउज़र का टैब है उसमें शो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जो भी यहाँ आप इवन के अपना नाम अगर लिख दें तो नाम लिखते हैं तो नेम आ जाएगा, यहाँ पर नेम शो हो जाएगा, ठीक है जी। आगे मज़ीद अगर थोड़ा सा देख लें तो हेड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने किसी एक्सटर्नल लिंक करना है, किसी का CSS फाइल लिंक करनी है, हमने जावास्क्रिप्ट लिंक करना है, jQuery लिंक करनी है, इसके अलावा इवन कि हम मेटा डाटा अगर लिंक करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। किस तरह लिंक करनी है, किस तरह स्टाइलिंग हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर स्टाइल का एक टैग भी हम ऐड कर सकते हैं CSS के अलावा। CSS वही काम करता है जो स्टाइल का करता है, लेकिन स्टाइल और इसमें फ़र्क ये है कि CSS की एक्सटर्नल फाइल इसके साथ लिंक हो जाती है और जो स्टाइल का टैग है वो इसमें प्रॉपर स्टाइल ऐड हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में आके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और इसको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है इसका, इसमें सबसे पहले HTML आता है, HTML ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ब्राउज़र को पता चलता है कि ये फ़ाइल हमारी जो है HTML की है और मैंने इसको HTML लेके चलना है, ठीक है। हेड है, हेड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी सिर्फ टाइटल को ऐड किया है, इसके अलावा हम यहाँ पर CSS फाइल अटैच कर सकते हैं, कैसे करते हैं या अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा स्टाइल का टैब है, अगर CSS फाइल के अलावा हम इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं तो वो हो जाता है। मेटा डाटा SEO के लिए वगैरह इस्तेमाल होता है और वो भी यहाँ हेड के अंदर टाइटल के नीचे या ऊपर कहीं भी ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है, लाइब्रेरीज है उसकी फाइल, jQuery, वो सारी चीज़ें यहाँ हेड के अंदर आएंगी, जो फाइल का हेड होगा HTML का हेड। बॉडी के अंदर हम वो चीज़ शो करवाएंगे जो ब्राउज़र के बॉडी में शो हो जाएगी, जस्ट है कि उसके पैराग्राफ्स, इमेजेस, पैराग्राफ्स, इसके अलावा टेबल्स शो हो जाएंगे, इसके अलावा लिंक्स होंगे,
डिव्स होंगी और बहुत कुछ। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं इसको डिटेल के साथ कि क्या इसके साथ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।